नगर निगम कोरबा के अंतर्गत आरएसएस नगर से दादर खुर्द और पश्चिम क्षेत्र की दो सड़कों को नवीनीकृत करने के लिए इसी महीने काम कराया जाना है। यह दोनों कार्यों पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च की जाएगी। जनवरी महीने में ही इन कार्यों के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी है। इधर सड़क की दशा को लेकर नागरिकों ने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। कोरबा नगर के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 23 की मुख्य सड़क की दशा से लोगों को काफी नाराजगी है। सड़क पर आवाजाही में हो रही मुश्किल को लेकर लोगों ने यहां पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान पार्षद अब्दुल रहमान ने क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाया। नगर पालिक निगम कोरबा और कठपुतली महापौर के द्वारा लगातार मेरे वार्ड पंडित रविशंकर शुक्ल नगर की उपेक्षा की जाती रही है और किसी न किसी कारणवश में विकास कार्य को अवरुद्ध करवाया जाता है, रुकावट डाली जाती है और अधिकारियों पर दबाव बनाया जाता है कि इस वार्ड का कार्य को विलम्ब से करवाया जाए और जहां तक हो सके तो कार्य विकास कार्य हो ही ना। रविशंकर नगर को यहां पर भेदभाव और पक्षपातपूर्ण ढंगों से यहां पर कार्य करवाया जाता है। आगे फिर रणनीति बनाया जाएगा, नगर निगम का घेराव किया जाएगा, महापौर का घेराव किया जाएगा, आयुक्त का घेराव किया जाएगा और ज़्यादा होगा तो आमरण अनशन में बैठा जाएगा। महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलते हुए हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के हम विकास कार्य के लिए संकल्पित हैं और विकास कार्य करवाने के लिए जो हो सकेगा हम अपने वार्ड के लोगों के साथ में मिलकर करेंगे। वार्ड संख्या 23 में सड़क के मसले को लेकर चक्का जाम करने पर मेयर इन काउंसिल के सदस्य संतोष राठौर ने आश्चर्य जताया। उन्होंने बताया कि सड़क के सुधार के लिए निगम ने प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे दिया था और इसकी जानकारी पार्षद को होना चाहिए। वार्ड 23 में ही अब तक करोड़ों के काम कराए जा चुके हैं और सड़क सुधार का काम जल्द कराया जाएगा, इसलिए चक्का जाम का कोई औचित्य साबित नहीं होता। तो मैं बता दूं कि मैगिन भाटा और अपना दादर रोड बिरसा मुंडा तक के 85 लाख और 65 लाख के दो जो है वर्क आर्डर हो चुके हैं डामरीकरण के और जो अति शीघ्र सप्ताह भर के अंदर ही वह कार्य चालू हो जाएगा। क्योंकि बता दूं पूर्व मौसम खराब था और मौसम खराब होने के कारण कार्य होने में थोड़ा सा लेट जरूर हुआ है, लेकिन दोनों का जो है टेंडर होकर जो है उसका वर्क आर्डर भी हो चुका है और अति शीघ्र वो कार्य चालू होने वाला है। आंदोलन करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं आपको बता दूं कि पूरे के पूरे वार्डों में बिना भेदभाव के माननीय महापौर जी पूरे वार्डों में कार्य करा रहे हैं। सड़क के मसले को लेकर नगर निगम के अपर आयुक्त तथ्यों के साथ मीडिया के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि 31 जनवरी 2023 को सामान्य सभा में सड़कों के सुधार और नवीनीकरण से संबंधित प्रस्ताव पारित किए जा चुके हैं और इन्हें प्रशासन की मंजूरी भी मिल चुकी है। 25 अप्रैल से पहले ऐसे कार्यों को शुरू करा दिया जाएगा। विजय अपार्टमेंट से पुष्प विहार तक एक बी डी रोड का निर्माण होना है 85 लाख का, उसका निरामंत्रण कर उसकी जो प्रशासनिक भी हो चुकी है सामान्य सभा से और एग्रीमेंट कर हम आने वाले समय में 25 तारीख से पूर्व इस काम को चालू करा देंगे। 25 अप्रैल से पूर्व काम चालू हो जाएगा और इसका काम जो शुरू होगा उसको श्रद्धा कंस्ट्रक्शन के द्वारा काम किया जाएगा। इससे पहले कोरबा के महाराणा प्रताप नगर, डॉक्टर राजेंद्र नगर, तानसेन चौराहा से चेक पोस्ट और कई क्षेत्रों की सड़कों को ठीक करने का काम नगर निगम के द्वारा किया जा चुका है। निगम क्षेत्र की समस्या ग्रस्त दूसरी सड़कों को ठीक करने के लिए जरूरी प्रक्रियाएं की गई हैं और जमीनी काम को जल्द ही अंजाम दिया जाना है। ऐसा होने पर संबंधित क्षेत्र के लोगों की शिकायतें कम होगी और उनकी सहूलियत में बढ़ोतरी होगी। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए पवन तिवारी के साथ मनोज यादव की रिपोर्ट।